वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। मैं राकेश सलरेजा आपसे प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट विथ एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा हूँ। ये प्रोबेबिलिटी का मेरा ख्याल है 8वें नंबर का लेक्चर होने वाला है, ठीक है। इस वाले लेक्चर में मैं आपको टाइप 3 का ब्रांड न्यू कंसेप्ट देने वाला हूँ। टाइप 1 टाइप 2 ऑलरेडी डिस्कस्ड है, उसके सारा वीडियो बाय ऑर्डर प्लेलिस्ट में मैंशनड है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी एक बढ़िया ऑर्डर में मिल जाएगा। बिल्कुल भी ऑर्डर के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फोकस कीजिए कंसेप्ट पर। लेकिन ये कंसेप्ट ऐसे है ना, समझ में बाद में आते हैं, पहले बेसिक मांगते हैं। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उसका बेसिक है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर आपको टाइप 3 चाहिए तो उसका बेसिक है टाइप 1 टाइप 2। तो वो ऑर्डर आपको बना के रखना पड़ेगा। एकदम अचानक से आप टाइप 3 वाला वीडियो स्टार्ट कर दोगे जो कि लेक्चर नंबर 8 होगा प्रोबेबिलिटी का, तब वो कैसे पकड़ में चीज़ें। पहले जाइए ऊपर के 7 लेक्चर देख कर आइए, ठीक है, फिर ये लेक्चर 8 रन कीजिए। सुनते हैं, मैं आपको कॉइन का आपको पहले एक बार बेसिक कंसेप्ट दे देता हूँ। कॉइन टाइप 3 आप कॉपी में हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे कॉइन, ठीक है। हर एक सेक्शन इस वीडियो इस वाले चैनल की प्लेलिस्ट में मेंशन है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर रोज़ मिनिमम 4 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो, आपको सबसे पहले मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। हम लोग चल रहे हैं कॉइन के कंसेप्ट पर। एक बार कॉइन का कंसेप्ट सुन लीजिए। कॉइन बेसिकली बच्चे दो टाइप के होते हैं। एक होता है बायस्ड कॉइन और एक होता है अनबायस्ड कॉइन, ठीक है। बायस्ड कॉइन और अनबायस्ड कॉइन क्या होता है, एक बार इसको समझ लेते हैं। बायस्ड कॉइन को दरअसल शब्दशः कहा गया है अनफेयर। कोई चीज़ जब अनफेयर हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई कंपटीशन में गए थे और वहाँ के जज ने कोई ऐसा फैसला ले लिया जो कि नियम के अनुसार सही नहीं था, तो हम लोग बोलते हैं ना बहुत ही अनफेयर डिसीज़न लिया जज ने, बहुत ही बायस्ड डिसीज़न लिया जज ने। तो ये एग्जांपल था आपको समझाने के लिए कि बायस स्टैंड्स फॉर अनफेयर और अनबायस्ड स्टैंड्स फॉर फेयर, ठीक है। आपको इतने लिए बात समझ में आ गई बच्चे लोग। चलो दूसरे लिए बात सुनते हैं। तो कॉइन बायस्ड हो और अनबायस्ड हो, मतलब अनफेयर और फेयर हो, तो उसके हिसाब से कुछ कंटेंट बनता है जो मैं थ्रू द क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, तो परेशान मत होइएगा। थ्रू द कंटेंट आपको सारे क्वेश्चन, ये दोनों की वैरायटी आपको इससे मिलेगी, पेशेंस बना के रखिएगा। दूसरा पॉइंट कन्वे कर रहा हूँ मैं, जैसे समझ लो कि फेयर क्या होता है। एक बार एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मान लिया कि आपने ना कॉइन उछाला, तो जैसे आपने कॉइन उछाला, अब कॉइन में या तो हेड होता है या तो टेल होता है, तो कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 50% है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर 50% है, तो दोनों का 50-50% है, मतलब वो कॉइन कैसा है, फेयर है, मतलब अनबायस्ड है, ठीक। और अनफेयर कब होगा कि भाई हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 60% या 70% हो और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 20-30%, अनफेयर हो गया ना, तो उसको अनबायस्ड बोल देते हैं। ऐसे फेयर और अनफेयर समझ में आता है। थ्रू द क्वेश्चन आपको ये बात मैं और सिखाता रहूँगा, पेशेंस बना के रखिएगा। कुछ और कंसेप्ट जान लो। आपको कॉइन के केस में टोटल वेस पता होने चाहिए। तो अगर मान लिया आपको ना क्वेश्चन में गिवन हो नंबर ऑफ कॉइन या फिर नंबर ऑफ थ्रोज, दोनों एक ही बात होती है। बोलेगा हमने 4 सिक्कों को उछाला, बोलेगा हमने 1 सिक्के को 4 बार उछाला, एक ही बात होती है, ठीक है। तो उस वाले केसेस में मान लिया आपके पास एक कॉइन है या आपने एक सिक्के को एक बार उछाला है, तो जो टोटल वेज होते हैं ना वो होता है 2 की पावर 1, मतलब कि 2 मतलब है कि उसमें हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। यही बात आई समझ में। अगर आपके पास दो कॉइन है या फिर अगर मान लिया आपने किसी कॉइन को 2 बार उछाला है, तो उसके टोटल वेज होंगे 2 की पावर 2, मतलब कि हो जाएगा 4 मतलब कि हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, गॉट इट। अगर आपके पास 3 कॉइन है, मतलब आपने सिक्के को अगर 3 बार उछाला है, तो उसके टोटल वेज होंगे 2 की पावर 3, मतलब कि 8, वैसे ही हेड टेल हेड, ऐसे गिनूंगा तो 8 आ जाएगा। आप मास्टर हो गए अब तो इन सारी चीज़ों पे, समझ जाते हो बढ़िया से। अगर मान लिया आपने कॉइन को 4 बार उछाला, तो उसके टोटल वेज होंगे 2 की पावर 4, मतलब कि 16। ये देख लीजिए इत्मीनान से, ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने टोटल वेज लिखे हैं। तो टोटल वेज आपको पहले समझ में आना चाहिए, क्योंकि वही तो मेरा सब कुछ बनेगा ना। तो अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो मैंने आपको सब कुछ अभी सिखाया है,
जो चाहिए क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा वो अपन उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। आइडिया एक्सेप्टेड, कंफर्टेबल? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब ये हो गई थ्योरी, आप इसे कॉपी कर लीजिए पूरा, और अब हम लोग क्वेश्चंस पर चलने वाले हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप इतना ध्यान से सुनो, कॉपी में से लिखेंगे आप। इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, सुन लीजिए। हमने क्या किया है, हमने दो कॉइन को उछाला है और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कम से कम एक हेड मिलना ही चाहिए। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन? चलिए भाई, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है, वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया, जाकर देखाइएगा। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है जो चाहिए बटा सब कुछ। सब कुछ मैंने अभी भी समझाया, कॉइन के केस में क्या होता है, कितने कॉइन हैं, दो, तो सब कुछ हो जाएगा 2 की पावर 2। इतना तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, तो सब कुछ हो गया 4। अब मुझे क्या चाहिए, इन 4 तरीकों में मुझे वो तरीके चाहिए जिसमें कम से कम एक बार ही हेड आता है, कम से कम एक बार ही हेड है। 4 तरीके कौन कौन से होते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। मतलब कि जब आपने दो कॉइन को उछाला होगा तो ये हो सकता है कि दोनों में हेडेड आ जाए, हो सकता है कि पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, हो सकता है कि पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, और हो सकता है कि दोनों में टेल टेल आ जाए। तो ये 4 पॉसिबल वेज हैं, गॉट इट? लेकिन मुझे इन 4 पॉसिबल वेज में वो वेज चाहिए जिसमें कम से कम एक बारी हेड दिखता हो। ये रहा कम से कम एक बारी हेड, ये रहा कम से कम एक बारी हेड, और ये रहा कम से कम एक बारी हेड। कम से कम एक बारी हेड करने का मतलब है दो हेड होगा तो भी चल जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं जो मुझे चाहिए, तो यहाँ लिख दूंगा जो चाहिए की जगह पर, तो ये बन गया जो चाहिए बटा सब कुछ, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइडिया एक्सेप्टेड, कंफर्टेबल है अपन? इतमान से इसे देखो, कोई भी डाउट हो उसे बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मैं चलो, 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। बोल रहा है कि हमने 3 कॉइन को छाल दिया और इस बात की प्रॉबलिटी क्या होगी, कम से कम 2 हेड मिलना चाहिए। जैसा ये क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना लेंदी हो जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा ट्रिक के थ्रू समझाने वाला हूँ। क्या लेंदी हो जाएगा सर, वो आप अभी आगे जानोगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है जो चाहिए बटा सब कुछ। क्योंकि मैंने 3 कॉइन को उछाला, तो मैंने इसके पहले आपको बताया था, अनबायश में तो समझ गए ना, वो फेयर है। तो मैंने आपको बताया था अगर 3 कॉइन को उछालोगे तो सब कुछ हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3, मतलब कि हो गया 8। आइडिया एक्सेप्टेड, यहाँ तक कंफर्टेबल हैं अपन? आगे सुनते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन पे, उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा है कि हम लोग को कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड चाहिए। तो 8 तरीके, पूरे 8 तरीके लिखूं, फिर देखूं कौन से कहाँ पर कम से कम 2 हेड आ रहा, तो लेंदी नहीं होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 4 तरीके थे तो लिख कर मैंने देख लिया था, अभी 8 तरीके लिखते बैठूंगा, मान लिया 4 कॉइन आएंगे तो 16 तरीके होंगे, 5 होंगे तो 32 तरीके, जैसे लिखते रहने वाला हिसाब सही है क्या? फिर इसके पहले क्यों लिखा था सर आपने, आपको आइडिया देने के लिए बस लिखा था मैंने, इसका मतलब ये थोड़ी कि वही करना है। आपको आइडिया मिल गया, काफ़ी था, अब उसकी बॉटम लाइन भी देख लो। तो बॉटम लाइन एक बार सुन लो, देखो मेरे को कम से कम 2 हेड चाहिए, तो कम से कम 2 हेड, और तीसरी जगह पर अगर हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। तो ये हो गए पॉसिबल वेज, ठीक है? और कम से कम 2 हेड बोला ना, इसका मतलब कि अगर 3 हेड हो गए तब भी चल जाएगा ना, कंटेंट आया समझ में? तो कम से कम 2 हेड बोल रहा है, लेकिन अगर 3 के 3 हेड हो गए विच इज़ ऑल्सो ओके। अब लेकिन इसकी ना शफलिंग पॉसिबल है, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि हेड हेड और टेल वाला ही फॉर्मेट हो, पहली बारी में हेड आए, दूसरी बारी में हेड आए, और तीसरी बारी में टेल आए, दिस इज़ वन ऑफ द केस। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही वाला हो, ये भी हो सकता है कि पहली बारी में हेड आए फिर टेल आए और फिर हेड आ जाए, या तो टेल हेड हेड हो जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इन पॉसिबिलिटीज़ को ना आप डायरेक्ट कैसे डील करोगे वो सीख लो मुझसे। कैसे डायरेक्ट डील करेंगे सर, इसकी शफलिंग पॉसिबल है, मैंने वर्ड यूज़ किया था, शफलिंग मतलब होता है अरेंजमेंट, और पीएनसी वाली क्लास में मैंने सिखाया था, जाकर देखिए अगर अभी तक नहीं देखा हो, मैंने पीएनसी वाली क्लास में सिखाया था कि अरेंजमेंट का मतलब होता है फैक्टोरियल। जितने भी टर्म्स हो अगर उनको अरेंज करना हो ना, तो बस गिनो और उसके पीछे डाल दो फैक्टोरियल। कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, तो 3 के पीछे मैंने डाल दिया फैक्टोरियल। लेकिन इसमें 2 तो सेम हो रहा है ना, ये 2 तो सेम हो रहा है ना, तो जब भी सेम होता है तो मैंने बताया था डिवाइड करते हैं, हेड 2 बार आ रहा है इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल किया मैंने। इसको सॉल्व करता आएगा 3, और इसको अगर शफलिंग कराओ तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, इसको आएगा 1, तो 3+1 कितना हो जाएगा 4। तो टोटल ऐसे 4 तरीके हैं जो मुझे चाहिए
इसमें कम से कम दो बारी हेड मुझे दिखता है, तो इसलिए जो चाहिए की जगह पर मैंने लिख दिया, तो 4/8 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है 1/2। आप इसे इत्मीनान से देखेंगे, जो भी डाउट होगा मुझसे आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आइडिया एक्सेप्टेड, कॉट इट, सही चल रहे हैं अपन लोग, आ रही है थोड़ी बारी बातें समझ में। प्रोबेबिलिटी मस्त चैप्टर है यार, मतलब इतना इम्पोर्टेंट और इतना इंटरेस्टिंग कि मज़ा आ जाए। आप प्रोबेबिलिटी जो कि मुझसे पूरा सीख गए ना, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो जिसमें एप्टी पूछा जाता है, आपका कॉन्फिडेंस एक अपर लेवल का होगा, क्योंकि वो चैप्टर आपको सबसे अच्छे से आ रहा होगा जो लोग अटेम्प्ट करने से भी डरते हैं, और उसमें जिसमें लोग डरते हैं आप मज़े ले रहे होंगे। इस सीरीज़ में बने रहिएगा, मैं सबसे टफ चैप्टर आपके लिए सबसे मज़ेदार बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, ठीक है। बोल रहा है कि 3 हमने अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया हुआ है, अनबायस्ड माने कि फेयर, 3 है इसलिए सब कुछ क्या बनेगा 2^3, इसके पहले सिखाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, अब की बार मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड चाहिए। पहले तो समझो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड कहने का मतलब क्या होता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड लाना, उससे ज़्यादा हेड नहीं लाना, लेकिन अगर उससे कम हेड लाए तो चल जाएगा। आ रही बात पकड़ में? तो एटमोस्ट 2 हेड में 2 से कम हेड चल जाएंगे, एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड में 2 से कम हेड चल जाएगा, ठीक है। तो एक तो वो केस जिसमें 2 हेड होता है, ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक हेड हो तो भी चल जाएगा, और अगर एक भी हेड ना हो तो भी चल जाएगा, मतलब ये तीनों केस पॉसिबल है एटमोस्ट 2 हेड पे। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हेड हो गए तो वाला केस बस पॉसिबल नहीं है। तो जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 factorial / 2 factorial, तो इसका केस हो जाएगा विच इज़ 3, इसका हो जाएगा 3 factorial / 2 factorial again 3, इसका हो जाएगा 3 factorial / 3 factorial again 1, तो 3 3 6 और 1 7, तो 7 वो केसेस है जो मुझे चाहिए, जो चाहिए बटा सब कुछ, ठीक। अगर किसी बच्चे ने मान लिया इसको, ऐसे सोचा होगा कि सर मैं क्या करता हूँ पता है, कि एटमोस्ट 2 हेड बोल रहा है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होना चाहिए, तो वो एक ही केस होगा ना जिसमें 2 से ज़्यादा हेड होंगे, 2 से ज़्यादा हेड होंगे मतलब कि तीनों हेड होंगे, यही वाला वो केस है जो एटमोस्ट 2 हेड में मेरे को नहीं चाहिए। तो ये एक केस एक ही तरीके से बन सकता है, तो मैं क्या करता हूँ सर, मैं ये करता हूँ कि वो एक तरीका जो मुझे नहीं चाहिए उसको टोटल में से हटा देता हूँ, जो बचेंगे वो सारे केसेस मेरे को चाहिए होंगे। तो अगर मान लिया कोई बच्चा ऐसे भी सोचना चाहता है, चाहे ऐसे सोच लो, ये जो मैंने बताया चाहे ऐसे सोच लो, एक ही बात है, इसको भी सॉल्व करके बताया था, उससे भी 7/8 ही आएगा, उसको भी एक बार देख लो। लेकिन जिन बच्चों को 7/8 ऐसे समझ में आ गया तो भी चलेगा, जिन बच्चों को थोड़ा मान लिया कि दिमाग चल रहा है और चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपको ऐसा सुनने अच्छा लग रहा है तो वो भी सुन लीजिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एटमोस्ट 2 हेड वाले केस में एक ही ऐसा केस होगा ना जिसमें 2 से ज़्यादा हेड होंगे मतलब कि तीनों हेड होंगे, उस एक केस को टोटल में से हटा देता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू हो जाएगा टोटल माइनस वो एक केस। तो वो एक केस है और उसकी प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए सब कुछ तो होगा 8, क्यों सर, क्योंकि 3 कॉइन आप शफल करवाए हो ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में होती है 1 1 - 1/8, तो ये हो जाएगा 7/8। ये वाला लेकिन थोड़ा सा अपर क्लास है, मतलब एक लेवल ऊपर है। अगर मान लिया ये वाला अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो पेशेंस बना के रखना, थ्रू द टाइम समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ गया तो भी चल जाएगा, और ये अगर आप सोच पाए तो विच इज़ गुड, शाबाश। इसे इत्मीनान से आप देख लीजिए सॉल्यूशन इसका, कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्कस करो। आगे चलते हैं, हम लोग पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इफ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट आर द चांसेस दैट देयर विल बी नो हेड। बोल रहा है कि हमने 4 कॉइन्स को टॉस किया हुआ है और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक भी हेड सेलेक्ट ना किया जाए, ठीक है। 4 कॉइन को टॉस किया हुआ है, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, एक बार इत्मीनान से ये भी केस सुन लीजिए। 4 कॉइन को टॉस किया हुआ है तो सब कुछ क्या होगा, 2^4 माने कि 16, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, सुनते जाइए बच्चे लोग, एक भी हेड नहीं होगा, नो हेड, एक भी हेड नहीं होगा, जिसका मतलब क्या होगा भाई, ऑल टेल होगा और क्या। जब बोल रहे कि एक भी हेड नहीं होगा, जिसका मतलब क्या होता है, सारे के सारे टेल होंगे, सारे के सारे टेल होंगे, तो चारों के चारों टेल होने के
फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल, तो एक ही तरीका होगा ना, तो एक ही तरीका है जो मुझे चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इत्मीनान से देखिए, आइडिया एक्सेप्टेड। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ रहा हूँ, आप इत्मीनान से सुन लो। इफ़ 5 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑफ हेड इज, बोल रहा है कि हमने 5 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस किया हुआ है और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमको इवन नंबर ऑफ हेड मिलने चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर 5। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आपको इसी वाले वीडियो में इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। 4 क्वेश्चन मैंने करे किए ना, 5वां आप भी तो करके देखो, मैं भी देखूँ आपका दिमाग कहाँ तक चल पा रहा है। जल्दी मिलते हैं कॉइन्स के और भी बढ़िया क्वेश्चन के साथ में, बने रहिएगा।